मैं नीतू सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हेयर्स के ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं। शाइनी हेयर, रफ़ एंड टफ, अगर आपके हेयर हैं शाइनी नहीं हैं, डैंड्रफ है, झड़ते हैं, टूटते हैं बाल, तो उसके लिए ये घर पे ही नुस्खा है। तो गाइस, इसको बनाने के लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं जो आपके घर में अवेलेबल होंगे। तो ये प्रोसेस मैंने खुद पे भी यूज़ करती हूँ मैं। तो आप देख सकते हो मेरे हेयर ब्लैक लॉन्ग हैं। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट आपका मिस ना हो जाए। तो जो 3 इंग्रेडिएंट है आपके, वो है छाछ यानी कि लस्सी, तो सेकंड है एलोवेरा और थर्ड है लेमन। तो ये 3 प्रोडक्ट से ही आपका हेयर डैंड्रफ जो है ना, वो ऐसे गायब हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपके डैंड्रफ है तो नेचुरली ही बाल आपके टूटेंगे ही टूटेंगे। तो डैंड्रफ की समस्या को आपको जड़ से ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए, तो गाइस ये है लस्सी यानी कि छाछ। तो ये मैंने 3-4 दिन से रखी हुई थी, तो इसका हमने पानी उतार देना है। और ये है एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा जेल। तो इसका मैंने, लस्सी का मैंने आपको ये देखिए दिखा रही हूँ कि पानी उतार लेना। तो ये मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है एक बाउल में। तो इसमें मैं अब डालूँगी आधा नींबू का रस। तो मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लेना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो फ्रेंड, तो ये आपकी डैंड्रफ की समस्या को बहुत ही जल्दी दूर कर देगा, जिससे आपके बाल टूटने कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 इंग्रेडिएंट से ही आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने होममेड ही चीज़ें यूज़ करनी हैं, इसके आप इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। तो मैं ये अपने बालों पे इसका रिज़ल्ट पता लग जाएगा और 15 से 20 मिनट तक रहना। उसके बाद आपने इसको कोई से भी शैम्पू से वॉश कर लेना अपने हेड को। तो मैंने ये हेड वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हो कि कितने शाइन कर रहे हैं मेरे हेयर और जेड ब्लैक हैं। कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरे जैसे बाल पाने हैं तो ये प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा, वीकली 1 टाइम तो कास करके। होप सो आपको ये पसंद आई हो वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।